चपेट में आए दो की हुई मौत, गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर फूका ट्रक। हनमना थाने के सरदमन पहाड़ में हुई घटना, भारी पुलिस बल पहुंची। ट्रक की चपेट में आए दो लोगों की मौत पर बवाल मच गया, गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर ट्रक में आग लगा दी। घटना से पूरे इलाके में तनाव का वातावरण निर्मित हो गया। आपको बता दें कि भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई, जो गुस्साए लोगों को समझाइश देकर शांत कराने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना हनमना थाने के सरदमन पहाड़ की बताई जा रही है। जीप सवारी लेकर रविवार को मऊगंज से हनमना तरफ जा रही थी। इस दौरान दो यात्री जीप के बाहर लटक कर सफर कर रहे थे। शाम काल करीब 6 बजे जीप जैसे ही हनमना थाने के सरदमन पहाड़ में पहुंची, तभी अचानक बगल से गुजरे एक ट्रक ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। लटक कर सफर कर रहे दोनों यात्री ट्रक की चपेट में आकर घसीटते चले गए। इस दौरान उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में घुस गया। इस दौरान चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। गाड़ी में सवार 3 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही परिजन पहुंच गए। आपको बता दें कि घटना स्थल का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मृतकों की पहचान रामदीन निवासी दामोदरगढ़ व विनोद सिंह निवासी पिपराही के रूप में हुई है। दोनों युवकों के शव सड़क में पड़े हुए थे, जिसे देखकर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। तत्काल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। इस दौरान पुलिस लोगों को समझाइश देकर शांत करवाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन स्थानीय लोग जाम खोलने को तैयार नहीं थे। तनाव को देखते हुए आसपास के अन्य थानों का बल मौके पर पहुंच गया। घटना स्थल पर पुलिस गुस्साए लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाने का प्रयास कर रही थी। तभी कुछ लोग घटना स्थल से थोड़ा खेत में घुसे, ट्रक में आग लगा दी। देखते देखते ट्रक धू धू कर जलने लगा। घटना से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। तत्काल पुलिस ने लोगों को ट्रक से दूर किया। इस दौरान थाना प्रभारी जयंत अगलावे, PSI आरती वर्मा, आरक्षक सोनू सिंह व चालक लखन पटेल ने स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। प्रयागराज न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट।